फ्रेंड्स, कोशिश करते रहने का, हम लोग कभी हार नहीं मानने का, हम लोग का काम हम लोग ईमानदारी से करते रहने का, रिजल्ट आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा हम लोग को। चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंट वेट हम लोग देखते हैं। मेरा आज का प्रेजेंट वेट है 57,700। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा तो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रसलर्स किचन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह से व्लॉग चालू की हूँ, तो सुबह मेरा अभी हाफ एन आवर स्टेयर केस वॉक तो हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, फुल बॉडी के लिए भी। मैं आप लोग से लास्ट वीडियो में बताई थी ना, थाई फैट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। ऐसा तो पूरा फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है इसमें, तो आप करके देखिए तभी आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये इतना क्लियरली नहीं आया है क्योंकि मैंने कैमरा घर के अंदर लगाई, मीन्स मोबाइल मैंने ट्राईपॉड में अंदर रखी थी, दरवाज़ा खोल के रख के मैं ट्राईपॉड घर के अंदर रखी थी और बाहर ऐसा लाइट भी नहीं था। 6 बजे के बाद लाइट वगैरह बंद कर लेते हैं ना, और आज वेदर भी क्लाउडी है, तो आजकल तो वेदर क्लाउडी रहते हैं, बारिश आ रहे तो इतना अच्छे से क्लियर कैच नहीं कर पाया फ्रेंड्स। तो बट आपको एक आइडिया मिलने के लिए मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया, तो आप देखिए मैं पहला दिखाई थी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड था, अभी मैं स्लोली करके दिखा रही हूँ आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 वही हिसाब से करने का। आपको कितना फास्ट, इतना स्लो तो नहीं है ये, आपको ऐसे मैंने दिखाई हूँ तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपके घर के सामने भी एक सीढ़ी रहेगा ना, स्टेयरकेस रहेगा ना, उसमें भी आप कर सकते हो। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एटलीस्ट 10-10 मिनट का वो तो एक्सरसाइज कीजिए, पूरा एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो वो ये एक्सरसाइज अभी मैंने दिखाया ना वो एक्सरसाइज कीजिए, तो क्योंकि वो फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। इसके लिए बता रही हूँ मैं, 10 मिनट कंटिन्यू करने का नहीं, 2-2 मिनट करके आप रेस्ट लेके फिर से 2-2 मिनट का ऐसे करके आप 10 मिनट सुबह कीजिए, 10 मिनट शाम को कीजिए, उसके साथ थोड़ा वॉकिंग वगैरह करेंगे तो और भी अच्छा है। अभी मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। शाम का टाइम भी ना मैं थोड़ा सा, रात का टाइम मैं थोड़ा सा पेट के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, वो भी कभी हो पाएगा तो। इससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ पेट के लिए मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, बट मैं डेली करती हूँ वो 10-15 मिनट का एक्सरसाइज पेट के लिए करती हूँ। तो कभी कभार बिग बॉस देख देख के करती हूँ, मैं ट्राईपॉड में बिग बॉस मोबाइल लगा देती हूँ और मैं सामने लेट के पेट के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, कभी कभार उससे पहले कर लेती हूँ। ऐसे कभी टाइम मिलते तभी मैं रात को थोड़ा बहुत पेट के लिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, वो भी खाना खा के 2 घंटे के बाद ही करती हूँ, उससे पहले नहीं। तो आज तो अभी ये थोड़ा बहुत मैं सुबह का एक्सरसाइज किया था वो मैं आप लोग से शेयर कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, अभी एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद मैंने पानी भी पी ली थी, 2 ग्लास गर्म पानी। कल रात को मैं बाज़ार गई थी तो थोड़ा बहुत मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, वो मैं वॉश करके रात को ही रखी थी तो सुबह तक अच्छे से सूख गया था, वो अभी मैं सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा बारिश भी था और हवा भी इतना ज़्यादा था ना, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई मैं, कितना हो पाया उतना लेके मैं आ गई। ऑनियन वगैरह सब लेना था मुझे, वो सब मैंने छोड़ दिया क्योंकि ना बारिश से ज़्यादा ना हवा ज़्यादा था, तो छाता भी संभालने था और बैग भी पकड़ना था, तो नहीं हो पा रहा था कुछ भी लेने के लिए, तो मैं जल्दी आ गई घर पर, कितना लिया उतना बस करके जल्दी आ गई घर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाजी क्या बोलते हैं इसको, तुराई बोलते हैं ना, इसका बाजी बना रही हूँ अभी मैं दोपहर के लिए। बाजी तो मैं कट करके रख दिया और अभी मैं बना रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, दलिया बना रही हूँ, दलिया का उपमा। दलिया मीन्स बड़ा वाला नहीं, हम लोग खिचड़ी बनाते वो नहीं, रावे से भी थोड़ा बड़ा दलिया मिलता है ना, वो मैं बना रही हूँ। मैं उससे पहले मैं अभी दोपहर के लिए चिकन बना रही हूँ, इसके लिए मैं पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन इतना मैं पीस के रख देगी। आज चिकन में ग्रीन मसाला बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग बनाने का मैं सोच रही हूँ, बट इतना ग्रीन भी नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अभी मैं बना रही हूँ दलिया बना रही हूँ। दलिया बनाने के लिए मैंने 1 स्पून उतना मैंने कोकोनट ऑयल डाली हूँ, तो ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। आप भी हो पाएगा तो आप कोकोनट ऑयल, राय का तेल ये यूज़ कीजिए, रिफाइंड ऑयल मत यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल मिलेगा तो आप लेके आके रखिए, कभी आप उपमा बनाते हो, पोहा बनाते हो तभी ना कोकोनट ऑयल से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, अलग ही फ्लेवर आता है फ्रेंड्स उपमा में, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। एटलीस्ट आप ये सब बनाने के टाइम कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल आप लोग बनाते हैं ऐसे ही उपमा बना रही हूँ, टोमेटो डाली हूँ, मूँगफली और राय डाली थी, करी पत्ता और थोड़ा सा मैंने ऑनियन भी डाली थी। आज थोड़ा सा अलग से बना रही हूँ, मीन्स थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल दिया उसमें ना, तो हल्दी भी डाल दिया, नहीं तो मैं हल्दी नहीं डालती हूँ और चिकन मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ।
मेरे बेटे को ना पोहा अच्छा लगता है बट ना उपमा वगैरह नहीं अच्छा लगता है, बट उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए मैंने ना हल्दी डाल दिया, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी भी लगा बना था, क्योंकि उसमें मैं चिकन मसाला भी डाली थी थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर के लिए, और हल्दी भी डाले तो कलर भी अच्छा आया था, तो उन्होंने खा लिया। चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा हेल्दी वाला दलिया उपमा बन के तैयार हो गया, उसके बाद अभी मैं पहला भाजी भी बना लेती हूँ, बाद में ब्रेकफास्ट करते। तो अभी मैं एक स्पून उतना मैंने तेल ली थी, उसमें मैं राई डाली थी और करी पत्ता, ऑनियन और हरी मिर्ची कूट के डाली थी, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाली थी, उसमें कुछ भी मसाला नहीं डालेगी, हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के पकने के लिए रख दिया, इसमें पानी नहीं डालने का है। अच्छे से पकने के बाद ऊपर से मैं गीला नारियल डाल देगी तो अच्छा टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं कॉफ़ी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा ही गुड़ यूज़ कर रही हूँ, गुड़ डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके अभी मैं ब्रेकफास्ट करेगी पहला, उसके बाद उस बाद में का काम बाद में करेगी। अभी देखिए दलिया उपमा आप लोग को दिखा रही हूँ, कलर भी ऐसे था, बहुत ही अच्छा था कलर। तो कभी भी मैं हल्दी पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ, बट आज मैं हल्दी पाउडर थोड़ा यूज़ कर दिया तो अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट तो हो गया था, उसके बाद देखिए मैं भाजी में गीला नारियल भी डाल के उसको साइड में रख दिया, अभी गैस बंद कर दिया। अभी मैं बना रही हूँ चिकन, बना रही हूँ दोपहर के लिए। चिकन बनाने के लिए भी मैं एक स्पून उतना ही कोकोनट ऑयल ली हूँ, उसमें मैंने डाल दिया। अभी ऑनियन फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना ये सब मैंने पीस के रख दिया, तो इसमें अदरक लहसुन ऐसा अलग से नहीं डाल रही। ऑनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद मैं अभी टोमेटो भी डाल दिया, टोमेटो को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लेगी। तो नॉनवेज नहीं खाते ना वो लोग, सोया बड़ी भी सेम मसाले से बना के देखिए तो अच्छा लगता है। तो आप वेट लॉस जर्नी में ना सोया बड़ी ज़रूर ऐड कीजिए आपके डाइट में। तो के टोमेटो से अच्छे से स्मैश हुआ था, उसके बाद मिर्ची पाउडर डाल दिया, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया, बड़ी सोप का थोड़ा पाउडर था वो भी मैंने डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अभी मैं मीट मसाला डाल देगी, चिकन मसाला। तो उसके बाद मैं अभी हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन सब पेस्ट करके रखी थी ना, वो भी मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लेगी। देखिए तेल नाक के बराबर है, क्योंकि चिकन में से भी तेल छूटता है ना, इसके लिए ज़्यादा तेल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं बिना तेल का भी चिकन बनाती हूँ सुक्का, वो भी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट कभी मैं बनाएगी तो और एक बार शेयर कर देगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं चिकन डाल दिया तो अच्छे से अभी मिक्स करेगी, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डालना है, ऐसे अभी बंद करके उसको पकने देना है। बीच में एक बार अच्छे से मिक्स करके दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट रखती हूँ गैस, तभी ज़्यादा पानी नहीं छूटेगा ना, नहीं तो स्लो गैस रखेगा तो ज़्यादा पानी छूटेगा, इसके लिए फास्ट रख लेती हूँ स्टार्टिंग में। हेल्दी भाजी भी बनके तैयार हुआ है और हेल्दी तरीके से मैंने चिकन भी बना दिया लेस ऑयल से। ओनली अभी मुझे चावल बनाना है और सलाद कट करना है, उतना ही है। तो मैं लास्ट में चावल रखती हूँ, आज क्लास नहीं जाना है, मेरे बेटे को थोड़ा सा कोल्ड हुआ है और खांसी भी हुआ तो वो आज क्लास नहीं जा रहे, और हस्बैंड का भी छुट्टी है, तो अभी पूरा किचन वगैरह क्लीन करेगी, उसके बाद मैं नहा के आएगी, तो उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, तो भी आज हम लोग घर पे थे, तो भी कितना हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे तो 2 बजने के लिए 10 मिनट था, तो उतना लेट हुआ था फ्रेंड्स। तो अभी मैं सोच रही थी आज घर पे है तो थोड़ा कबर्ड वगैरह, किचन का कबर्ड वगैरह क्लीन करने का, बट ये सब काम होने तक ही बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ था, तो इसके लिए नहीं किया हूँ मैं, अभी एक दिन आराम से करेगी सब काम। कितना भी आप बिजी रहने दो फ्रेंड्स, बट पानी पीने के लिए आप नहीं भूलना चाहिए। मेरा अभी ब्रेकफास्ट हुआ था, ब्रेकफास्ट के बाद 1 आवर छोड़ के भी मैंने पानी पी ली थी, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ब्रेकफास्ट रहने दो, लंच, डिनर, डिनर के 1 आवर के बाद आप गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म मीन्स इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप कितना पी सकते हो उतना ही गर्म, ज़्यादा भी गर्म नहीं पीना है, वो भी आराम से बैठ के सिप सिप करके पानी पीना है, ऐसे कड़े कड़े पानी नहीं पीना है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखिए। और खाना खाने के साथ में पानी लेके मत बैठिए, ये सब छोटी छोटी आदत आप आपकी डेली रूटीन में चेंज करना जरूरी है आपका वेट लॉस जर्नी में। वेट लॉस जर्नी से जर्नी पे आने से पहले मैं ये सब नहीं करती थी फ्रेंड्स, मैं ना खाना खाने के टाइम ही मैं ग्लास में पानी लेके बैठ जाती थी, एक साइड से खाना खाने का, एक साइड से पानी पीने का, ये सब गलत बातें, ये सब चेंज करना जरूरी है हम लोग का वेट लॉस जर्नी में, तभी जाके हम लोग का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम लोग का लाइफ स्टाइल में चेंज करेगा तो ही हम लोग का वेट लॉस जर्नी में हम लोग को अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो यही मैं बोलती हूँ, पानी कैसे पीना है, बैठ के सिप सिप करके पानी पीना, पोषण कंट्रोल में खाना खाना, रात का डिनर जल्दी करना और तेल नमक कम कर लेना, बाहर का फूड बंद करना और एक्सरसाइज करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को चेंज करना है,
तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा सब काम हो गया था, अभी मैं नहाने के लिए जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला पपाई तो मैं कट करके रख देगा, तू नहा के आ जा करके। तो पपाई कट कर रहे थे तो बाद में मैं नहा के भी आ गई। अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे, तब तक 2 बजने के लिए 10 मिनट था, तो अभी मैं खाना निकाल रही हूँ। मेरे बेटे के लिए पहला खाना दे देगी, मेरे हस्बैंड खुद से लेते हैं फ्रेंड्स, वो क्या बोलते हैं तू देगा तो ज़्यादा डाल देती है, इसके लिए मैं ही लेता हूँ करके। क्योंकि ना ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ, बट राइस वगैरह लेने के रहेगा ना, वो उनके हाथ से खुद को कितना चाहिए उतना उतना ले लेते। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे लिए मैं परोस रही हूँ। मेरा लंच पोषण कंट्रोल थाली देखिए, इसमें है राइस, है बाजी, सलाद में काकड़ी और ऑनियन लिया और नींबू भी ले लिया, उसके साथ चिकन करी। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बाजी को क्या बोलते हैं बताइए, तुराई बोलते क्या, दूसरा कुछ बोलते क्या बताइए मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइस कम लेना, दूसरा सब आप सलाद चाहिए तो और भी डबल ले सकते हो, मैं उतना ही ली हूँ। आपको कितना सलाद चाहिए उतना सलाद खा लिए, ओनली आप चपाती और राइस का क्वांटिटी कम करना है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आराम से बैठ के हम लोग खाना खा लेते। उसके बाद खाने के बाद मैंने खाई थी पपाई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके इतना पपाई खाए थे। खाना सब होने के बाद थोड़ी सी वॉक भी कर लिया घर के अंदर ही, उसके बाद पानी पीना था वो पानी भी पी के थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद हम लोग का रेगुलर ब्लैक कॉफ़ी पीना, उसके बाद ये रात का मेरा डिनर है, बाजरा का बैटर बचा था तो उसका ही एक डोसा बना के लिया था मैंने।